देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 69वां जन्मदिन मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है। इस अवसर पर उन्हें देश विदेश से जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। इसी क्रम में राय से भाजपा नेता मोहनलाल पडोले ने दीपालपुर गौशाला पहुंचे और वहां साफ सफाई की और गौओं को चारा खिलाया और प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की। राई से लाजपत की रिपोर्ट। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 69वां जन्मदिन है और आज उनके जन्म दिवस पर यहाँ दीपालपुर गांव की गौशाला में हम पहुँचे और यहाँ सेवा का कार्य किया, गौओं को चारा खिलाया और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। ये 14 तारीख से 20 तारीख तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर एक सप्ताह तक हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी प्रकार के सेवा के कार्य कर रहे हैं। उसी के निमित्त आज यहाँ पर हम पहुँचे और आज पूरे देश की जनता जो नरेंद्र मोदी जी का 69वां जन्मदिन है वो बड़ी खुशी से मना रही है और बड़ा उत्साह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भगवान से कामना की है लंबी आयु दे। और जो आज विश्वकर्मा डे है, विश्वकर्मा डे के ऊपर भी जिस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा जी ने पूरी दुनिया की रचना की, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी उसको और सुंदर बनाने के लिए लगे हुए हैं। ये सभी लोग आज चर्चा का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्वकर्मा भगवान द्वारा निर्मित इस हिंदुस्तान और पूरी दुनिया का जिस प्रकार से विश्वकर्मा जी ने रचना की थी, नरेंद्र मोदी जी उसी भगवान के बनाई हुई इस सारी रचनाओं का पूरा ख्याल रख रहे हैं, पूरी देख रेख रख रहे हैं। ये बहुत सुंदर हिंदुस्तान बने, दुनिया का सिरमौर बने, दुनिया में सबसे खूबसूरत देश हिंदुस्तान हो, इस काम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। इसीलिए ये हमने सेवा का कार्य अपने हाथ में लिया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 69वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और इसी अवसर पर हमने गांव दीपालपुर में गौशाला के अंदर सफाई अभियान के तहत सफाई की है और गौओं को चारा डाला है और भगवान से हम दुआ करते हैं नरेंद्र भाई मोदी को, जितने हमारे ये साथी हैं उनकी शुभकामनाएँ हों और उनकी लंबी उम्र हो, ये ईश्वर से हम कामना करते हैं।